आता है, सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। आपको बताइए, मैं सिंपल ही रहती हूँ। नई दिल्ली उतर के वहाँ से हम ट्रेन लेंगे उत्तराखंड के लिए सीधी। तो उत्तराखंड में ट्रेन से उतरने के बाद मैंने ये रिक्शा ले लिया है। ये रिक्शा सीधा मुझे सौरभ के घर के बाहर उतारेगा। तो अब तो ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं और मैं पहुंच गई सौरभ की सोसाइटी के बाहर। गाइज ये देखिए, मैं अभी सौरभ जोशी के सोसाइटी के बाहर आ चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ और भी लोग आए हुए हैं, लड़के वगैरह, उनसे मिलने के लिए। कोई किसी से नहीं मिल रहे सौरभ जोशी, ये पीयूष की बस चली गई उसको छोड़ने के लिए। ठीक है, बस वापिस आ गए, लेकिन सौरभ जोशी तभी भी हमसे नहीं मिले। ये सौरभ जोशी की थार है, वो मार्केट गए हुए थे। मुझे लगा उतर के मिल लेंगे दो मिनट के लिए, बट वो मुझसे नहीं मिले, वो बिना मिले चले गए। अब आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली मैं अपने घर पे वापस आ चुकी हूँ। और अपने घर पे वापस लौट के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मेरे को घर पे आके। क्योंकि जब मैं सौरभ की सोसाइटी के बाहर खड़ी थी धूप में, तो वहाँ पे तो कोई आया नहीं अपना अपन दिखाने के लिए। सौरभ जोशी खुद भी नहीं आए कि दो मिनट के लिए आकर मेरे से मिल ले। वो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, मैं उनके ऊपर कब से वीडियो बना रही हूँ। फिर उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई ट्रिगर्ड इंसान के साथ। इतना सब कुछ हुआ, वो मेरे को अच्छे से जानते हैं, बट उसके बावजूद भी वो मुझसे नहीं मिले। अभी भी मेरे को रोना आ रहा है, बट मैं कल रोऊंगी नहीं। तो भाई आप लोग देख सकते हैं सौरभ जोशी में घमंड कितना ज्यादा चूर चूर होके भरा हुआ है, एंड बहुत ज्यादा घमंडी है।